हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज वैलेंटाइन के इस मौके पे व्यूवर्स आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी रीडिंग को। यहाँ पे व्यूवर्स हम देखेंगे आप, आपके पर्सन और वो यानी थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में किस तरह से आज का दिन उन्होंने स्पेंड किया है, ठीक है, आपको लेके उनकी क्या फीलिंग रही है ये भी देखेंगे, और थर्ड पार्टी को लेके क्या फीलिंग रही है। तो जो भी आएगा देखो क्लियर बताऊंगी। तो अगर आपके अंदर सच सुनने की हिम्मत हो, चाहे वो आपके फेवर में आए या आपके डिसफेवर में आए, तो इस रीडिंग को देखना, अदरवाइज मत देखना। क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी हो वहाँ पर आपको क्लियरली बताया जाए, ताकि गोलमोल बात करने से देखो कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट, है ना। तो चलिए बस इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और आपको क्लियर बताऊंगी मैं यहाँ पे कि क्या कुछ हुआ है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, उन दोनों की इंटेंशन, आपके पर्सन की आपको लेके इंटेंशन, और आपकी भी एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी आज के दिन की, ठीक है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एनर्जी से, तो एनर्जी हम चेक कर लेते हैं, एनर्जी और एकल से हम देखते हैं कि क्या है एनर्जी। ओके, एक सेकेंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके व्यूअर्स, तो चलिए सबसे पहले हम आप देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, आज की क्या है उनकी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज की एनर्जी को हमें बताएं। रिगार्डिंग टू माय व्यूअर, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूअर्स से रिलेटेड उनकी एनर्जी बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपके लिए यहाँ पर आया है एक्शन। अब थर्ड पार्टी को लेकर देखते हैं कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, तो ये कार्ड हमारे पास आया है, ओ माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिवर्स ने खुद कार्ड दिया है, मैंने तो नहीं निकाला ना यहाँ पे, ये तो छल के गया खुद अपने आप। तो ये वो कार्ड आया है, राइट, और बॉटम से हमारे पास यहाँ पे सन है, ठीक है। ये दिखाता है एक नई सुबह को, एक सेकेंड। तो चलो यहाँ से अब टैरो से देखते हैं क्या आता है। ओके ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी, यहाँ पे ये कार्ड मैं यहाँ रख लेती हूँ बॉटम वाले। सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जी है हम वो चेक करेंगे, और फिर थर्ड पार्टी को लेके एनर्जी, ठीक है। पर्सन बीच में है आपका, अच्छा आपकी एनर्जी चलो बाद में निकाल लेंगे वो। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, मेरे व्यूअर्स को लेके इनकी एनर्जी, इनके थॉट्स को क्लेरिफाई करें, इनके पर्सन के, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें। वी हैव द एट ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अब चलिए थर्ड पार्टी को लेके भी यहाँ पे देख लेते हैं कि उनके क्या कार्ड्स कहते हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टी को लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन की इंटेंशन और उनकी करंट फीलिंग्स। सो हमारे पास आया है फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, हमारे पास है यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉरी टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड द सिक्स ऑफ, लो सिक्स का नाम लिया, सिक्स आ गया, तो सिक्स ऑफ कप्स भी यहाँ पे है। बॉटम से हमारे पास आया है नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पे एम्परर के साथ में। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। मैं ये दो कार्ड जो यहाँ पर आए हैं, मैं इन कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूँगी पहले ही रीडिंग से, कि ये आपके पर्सन के फेवर में गए हैं या डिसफेवर में गए हैं, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ बताएं। हैंगमैन, बॉटम से हमारे पास आया है क्वीन ऑफ एंड। ओके, तो मुझे व्यूअर्स सबसे पहले बात करेंगे हम थर्ड पार्टी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लगता है आपके लिए भी जानना थर्ड पार्टी, आपको तो आपके पर्सन की वैसे भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पता चलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ये जो कार्ड आए हैं ये क्या बताते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेके। अब एनर्जी गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास आई है स्ट्रॉन्ग वार्निंग की, और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एनर्जी आई है जो हमने सन की देखी थी
आई है थ्री ऑफ वो मतलब ये थ्री ऑफ सोर्ड भी कह सकते हैं इसे, ये ब्रोकन हार्ट का हो वो भी इक्वल बात है। तो ये वो एनर्जी आई है जिससे आपके पर्सन निकलना चाहते हैं, मैंने कहा था न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमने आपके पर्सन की जो एनर्जी थी थर्ड पार्टी को लेके वो देखी। तो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में, सही है, कि थर्ड पार्टी के साथ में, मे भी आज कुछ चीज़ें आपके पर्सन के फेवर में नहीं गई, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आ गया। अब ये आपके पर्सन की यहाँ पे उसके साथ में हो सकता है कि उनकी कोई ख्वाहिशें हों, मे बी उनके साथ में टाइम स्पेंड करने की हो सकता है, या उनके साथ में मे बी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, समथिंग लाइक दैट कुछ हो सकता है, या फिर आपके पर्सन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। क्योंकि हमने ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं वो यही दिखाती है कि आपके पर्सन की जो ख्वाहिशें थी आज की वो अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। ये बात नोट करो यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखो हैंगमैन है, जिस तरफ वो पहुँचने की कोशिश कर रहा है, जिन चीज़ों को वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, जिन चीज़ों से वो मतलब कनेक्ट होना चाहता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाया, वो अटक गया, वो लटक गया आपका पर्सन, ठीक है। वो यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि ये मे बी उस तक पहुँचना चाहते थे, ठीक है, उस थर्ड पार्टी तक, या थर्ड पार्टी इन तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पे एक क्रॉस कनेक्शन हुआ है, एक यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन हुआ है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी और एक और पर्सन यहाँ पे रिप्रेजेंट है अदर देन यू, ये आप नहीं हो, ये कोई और है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी को लेके जो प्लान था वो आज डिस्ट्रॉय हो गया, प्लान बिल्कुल रन नहीं हुआ जैसा इन्होंने चाहा था। मे बी ये है व्यूवर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कि आपके जो थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप के अंदर, वो मे बी वो आज किसी और के साथ में टाइम उसने स्पेंड किया है, ठीक है। इस चीज़ को मैं देखो एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी यही मिल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का इनके साथ में ना होना और इनकी लाइफ में इनको, यहाँ से देख रहे हो ना बॉटम से हमने जो देखा था, नाइन ऑफ सोर्ड आया, एम्परर आया, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के नज़र आ रही है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ठीक है। जैसे गुस्सा में कहते हैं ना इंसान बहुत ज़्यादा, मतलब जो वो चाहे वैसा रिजल्ट उसे ना मिले, जितना वो सोच के चल रहा था, प्लानिंग करके चल रहा था कि मतलब मेरे साथ में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो हो गया, वो घटनाएं घट गई, अनएक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट है आपके पर्सन के सामने आना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, ये कोई प्री प्लान नहीं था। जैसे कहते हैं ना नेचर कभी प्री प्लान नहीं करती, नेचर कभी डिसाइड नहीं करेगी मुझे इस समय इतने बजे बरसना है, उसका अपना होता है, जब मूड होगी वो नेचर बरसती है। तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके पर्सन के सामने और आई और आपके पर्सन का ये हाल हो गया, देख रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी का इसी यही रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी का आज किसी और के साथ में जाना, मूविंग आउट करना, या टाइम बिताना, या इनको इग्नोर करना आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये है मतलब आपके पर्सन जैसा सोच के चल रहे थे, इनको मिला क्या, इनको खाली खालीपन मिला, इनके जो ड्रीम्स थे, एक्सपेक्टेशन थी थर्ड पार्टी को लेके वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं व्यूवर्स यहाँ पे, मेन मेन चीज़ों को थर्ड पार्टी का देखते हैं एस्पेक्ट, के थर्ड पार्टी का एस्पेक्ट क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की तो हालत मुझे थर्ड पार्टी के साथ में सही नहीं नज़र आ रही है, कार्ड ही ऐसे आ गए। प्लीज़ यूनिवर्स थर्ड पार्टी के बारे में हमें बताएं, थर्ड पार्टी का आज का क्या है। वैसे यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई थी अभी, थर्ड पार्टी का क्या आज रहा है इम्पैक्ट इस कनेक्शन पे, मेरे व्यूवर्स के साथ के जो पर्सन उनके कनेक्शन पे क्या इम्पैक्ट रहा है, क्या इंटेंशन है ये थर्ड पार्टी की मेरे व्यूवर्स के पर्सन को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड, मैजिशियन। देखो व्यूवर, जैसे कि मैंने आपसे बोला था यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी और के साथ में गई है, डेफिनेटली ऐसा हुआ है। देखो यहाँ पे क्लैश हुआ है, यहाँ पे भी वही आ गया बॉटम से, है ना, वही एनर्जी क्लैश होती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था वो किसके ऊपर ध्यान दे, या फिर उनको उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनसे आज कनेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। वो मतलब ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखूँ मैं थर्ड पार्टी की लाइफ में भी दो रिश्तों को रिप्रेजेंट कर देती है,
ठीक है, जिसको वो मतलब मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एनर्जी क्लैश हुई है, और यहाँ पे आप दोनों, आपके थर्ड पार्टी और इसके बीच में, आपके पर्सन के बीच में किसी तरह की कहासुनी, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी का वो रिप्रेजेंट करती है व्यूवर्स यहाँ पे चीज़ें, तो ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके पर्सन जैसा चाहते थे, देख रहे हो ना, यहाँ पे भी ये उसके साथ में कनेक्ट होना चाहते थे आपके पर्सन, ठीक है, जैसे कि उसके साथ में था इनका, और वो इच्छाएं इनकी अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, राइट। अब चलो आपको लेके देख ले, है ना, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है आपके पर्सन की। आज चलो अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की, आपको लेके क्या इंटेंशन है। जब यहाँ से उनको प्रॉब्लम हुई है, जब यहाँ पे उनको लाइफ में वैसा रिजल्ट उनको नहीं मिला, थर्ड पार्टी ने इनको जैसे कि डिच कर दिया आज, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ नज़र आया। जब यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई तो यहाँ पर एक्शन हुआ, यानी कहते हैं ना अपोजिट रिएक्शन, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि एक इम्पैक्ट दूसरी एनर्जी को प्रभावित करता है, रिफ्लेक्शन हुआ है। जैसे कि जो चाहत थी वो थर्ड पार्टी की तरफ गई, टकराई, और वहाँ से पूरी नहीं हुई तो आपकी तरफ रिफ्लेक्शन आया उसका। बुरी लगेगी बात, नो डाउट, बहुत हर्ट करेगी बात, लेकिन यहाँ पर है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पर्सन ने एक डिसीजन लिया है यहाँ पे, इसीलिए वो आपकी तरफ एक्शन दिखा रहे हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि वो आपसे मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे अब जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी पे वो भरोसा नहीं रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इन्हें जैसे कि कहते ना मूर्ख बना दिया। तो ये हुआ है आपके पर्सन के साथ में आज, तो इसीलिए देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो आपकी तरफ सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो गए। आपकी एनर्जी इसीलिए ऐसी आई है कि यहाँ पे सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो गए, यहाँ पे बातचीत का सिलसिला मुझे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में, राइट। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक तरह से जैसे कि कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, ये पर्सन की तरफ से हो रहा है, ये पर्सन ऐसा चाह रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे व्यूवर्स अगर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे इसीलिए आपकी तरफ या आपके पर्सन का एक अप्रोच नज़र आई है, साथ में कनेक्ट होने की अप्रोच नज़र आई है। आपको लेके एक नई थिंकिंग यहाँ पे डेवलप हुई है आपके पर्सन की, जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि उनको किसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है। देख रहे हो ना, यहाँ पर मैं आपके पर्सन का एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता हुआ यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। तो इसीलिए व्यूवर्स कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन का मुझे एक्शन नज़र आ रहा है, जो आपकी तरफ इम्पैक्ट करता है, आपकी तरफ बढ़ना दिखाता है, एक नया डिसीजन लेना दिखाता है, और अपनी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस उन्होंने आपकी तरफ लगा रखे थे, जैसे आपसे बात ना करना, आपसे कम्युनिकेट ना करना, आपसे मिलना जुलना बंद कर देना, ये सब चीज़ें मुझे आज यहाँ पर रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, राइट। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो आपके ऊपर हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी है, कि थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं एक गलती ने आपके लिए वो दरवाजे ओपन कर दिए जो आपके लिए ओपन अप नहीं हुए थे, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।